हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों जेएसएससी उत्पाद सिपाही मीन्स एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी फाइनली आ चुकी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं उसका सिलेबस के बारे में, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्योंकि लास्ट ईयर जो जो वैकेंसी आई थी उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है, बट लैंग्वेज पेपर में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिला है। तो चलिए हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो आपके लिए सेशन बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चैनल को देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है ना, तीन पेपर पढ़ना है, ठीक है। तीन पेपर पढ़ना है हमको यहाँ पर, ठीक है। और पेपर थ्री सबसे जो बड़ा चैप्टर होगा भाग, वो पेपर थ्री का होगा, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे ना, एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न कैसा है, देखिए पेपर वन पूछा जाएगा, पेपर वन होगा, ठीक है। इसमें दो घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तीनों पेपर एक ही दिन होंगे, ठीक है ना। देखिए पेपर वन में पहला जो हिंदी से पूछा जाएगा क्वेश्चन और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में आपके जो पूछे जाते हैं ना, एडी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी में, उसमें 20 क्वेश्चन का आपको अनुच्छेद पूछा जाएगा। अनुच्छेद में बेसिकली क्या होता है, अनुच्छेद में आपका जो होता है ना पैसेज राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग हिंदी में जो होता है ना, हाँ वो चीज आपको पूछे जाएंगे। निबंध जिस टाइप का एक पैराग्राफ दे देगा, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, उससे आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करके लिखना, आंसर फाइंड आउट करके देना पड़ता है, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जस्ट लाइक आपका गदर पद भवार्थ जो निकालना होता है ना हिंदी में, उस टाइप के भी क्वेश्चन आपके अनुच्छेद में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो इंग्लिश ग्रामर होगा, है ना, ग्रामर आप जान रहे हैं 60 क्वेश्चन, बहुत वेटेज है। तो ग्रामर में आपको क्या पूछा जाएगा, ठीक है, आपको संज्ञा है, सर्वनाम है, ठीक है, संज्ञा है ना, सर्वनाम है, ठीक है, वर्ण, व्यंजन, ठीक है, आपको विशेषण, क्रिया विशेषण, ये प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, ये सब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ग्रामर में, तब जाके आपका ग्रामर के क्वेश्चन बिगड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप देखिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बताते हैं, देखिए इंग्लिश का हम देखते हैं, इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे ग्रामर से और 20 क्वेश्चन होंगे पैराग्राफ राइटिंग से, ठीक है ना। तो देखिए 20 क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे ना, बेसिकली अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेस्ड होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेस्ड होगा जो ग्रामर होगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक, एक्टिव पैसिव हो गया, जस्ट लाइक आपका नरेशन हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो क्वेश्चन होंगे उसमें एयर बेस में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान एक सेंटेंस दे देगा इंग्लिश में, ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको, कुछ वर्ड जो होंगे वो रॉन्ग होंगे, उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में जैसे मैंने हिंदी का बताया, उसी तरह इंग्लिश में भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे दिए हुए, उसका वहां से फाइंड आउट करके आंसर देना पड़ता है, जस्ट लाइक आपका 8, 9, 10 में जो पूछा जाता है पैराग्राफ राइटिंग इंग्लिश में उसी तरह से होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब पेपर आप देखिए, एक चीज और देखिए, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है, तो 120 क्वेश्चन हुए तो 360 मार्क्स का होगा, ठीक है। आपको इसमें मिनिमम मार्क्स लाना है, मिनिमम मार्क्स आपको 108 नंबर लाना है, 30%, है ना, 108% 108 मार्क्स अगर लाइएगा ना, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा, है ना। अगर इसमें आप 107 भी लाते हैं ना, तो ये पेपर जो आप लिखेंगे एग्जाम इसके बाद, वो दोनों कभी चेक नहीं होगा, भले ही आप इन दोनों एग्जाम में कितना भी अच्छा क्यों स्कोर, मतलब आपको कितना भी अच्छा एग्जाम क्यों नहीं दिया हो, ये इसमें पास आप नहीं कीजिएगा पेपर वन में हिंदी और इंग्लिश में, तो आपका ये चेक ही नहीं होगा। हाँ, और एक चीज याद रख लीजिएगा कि इसमें हिंदी चाहे इंग्लिश किसी में भी ला सकते हैं। मान लीजिए इंग्लिश में मेरा 0 है और हिंदी में 108 आ गया, तो भी आप क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मीन्स आपको किसी भी तरह 108 नंबर लाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पेपर टू का, हम देखते हैं पेपर टू में क्या बोलता है। पेपर टू में हमारे पास इस बार 15 लैंग्वेज है, पिछले बार आई थिंक 11 या 12 लैंग्वेज था, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा, हिंदी इस बार इंक्लूड किया है, इंग्लिश को किया है, संस्कृत है,
ठीक है, उर्दू है, संताली है, बंगला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, कुरमाली है, कोठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, उड़ीसा की कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है, तो 15 लैंग्वेज हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं। सबको लेना मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ एक जो 300 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें बोला गया है मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाना है, बट 30% मार्क्स लाना है, इसका मिनिमम मार्क्स लाना है, बट ये जो मिनिमम मार्क्स से आप इसमें क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। मींस आपका 30% बोला है वो आप उससे नीचे तो आपको लाना ही नहीं है इसमें, बट इसका जो अलग से कट ऑफ निकलेगा, मिनिमम 30% है तो आपको 90 नंबर हो रहा है, बट इससे कोई मायने नहीं रखता है। मतलब ये 90 नंबर आप लाइएगा, उससे नीचे आपको लाना ही नहीं है, बट जो मैक्सिमम मार्क्स बनेगा, मान लीजिए अगर आप 300 में 250 अगर नंबर लाना पड़ेगा आपको, अगर सिलेक्शन चाहिए कोई लैंग्वेज पेपर में, तो 250 नंबर आपको लाना पड़ेगा, उससे नीचे का आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाएगा कट ऑफ निकालने में। ठीक है, तो मिनिमम को ध्यान नहीं देना है, आपको मैक्सिमम लाना है। आप 250 तक लाने की कोशिश करेंगे इस पेपर टू में, तो आपका चांस श्योर है कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप फिजिकल और सब निकाल लीजिए पहले तो। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं आप। अब पेपर थ्री का देखिए, पेपर थ्री में हम क्या करेंगे, पेपर थ्री में देखिए सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन आप 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 120 से सामान्य अध्ययन है। ठीक है, तो हम देखते हैं सामान्य अध्ययन में क्या क्या हमको पढ़ना है यहाँ पर, है ना, सामान्य अध्ययन में क्या क्या हमको पढ़ना है, सारी चीज को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सामान्य अध्ययन का सिलेबस सबसे बड़ा है। ठीक है, तो देखिए सामान्य अध्ययन में बोला गया समसामयिकी विषय, समसामयिकी विषय में हमको यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक समसामयिकी विषय में, ठीक है, पॉइंट दिए गए हैं। इसमें करना क्या है, देखिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, देखिए कभी भी कोई भी देश में, है ना, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलता है, तो भारत में भी मिलता है। जिस देखिए आपको स्पोर्ट में पुरस्कार मिलता है, स्पोर्ट में आपको फिल्म में मिलता है ना, राइटर को मिलता है, ठीक है ना, पॉलिटिशियन को मिलता है, ठीक है ना, तो वो सब जो अवार्ड मिला जाता है, पुरस्कार मिलता है, उन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आपको पहले जो मिला हुआ है इम्पोर्टेंट पुरस्कार उसको भी ध्यान में रखना है, और जो नया मिलता है करेंट अफेयर्स बेस में उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक चीज याद रखिए कि जैसे नोबेल पुरस्कार भी होता है ना, नोबेल पुरस्कार होता है, ऑस्कर अवार्ड होता है ना, जो अभी मिला है नटवर सॉन्ग को, ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको समसामयिकी में ध्यान रखना है। जो पहले जो इम्पोर्टेंट हो चुका है आपको 3-4 साल पहले का भी जो हुआ है उसको भी पूछेगा, और जो अभी करंट में जो हो रहा है और हुआ है उसको भी आपको इसमें से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार से। ठीक है, उसके बाद भारतीय भाषाएं, देखिए भारत में बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे पुराने लैंग्वेज है हिस्ट्री में, जो अभी लैंग्वेज जो चलते हैं उन सबसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है ना, जो हिस्ट्री आप जब पढ़ते हैं ना उस समय क्या क्या लैंग्वेज होता है, ठीक है, उस सब लैंग्वेज आपको ध्यान देना है। जो मुगल काल में कौन सा लैंग्वेज था, आपको एंशियंट आर्यन समय में कौन सा लैंग्वेज चलता था, ये इंडस वैली में किस तरह से लैंग्वेज था, उस सब चीज को आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। करंट बेस में जो भी लैंग्वेज चल रहा है भारत में उस सबको भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी जो करंट में जो हमारा संविधान में 22 भाषा है ना, 22 भाषा है, तो वो भी तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनने वाला है। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान दीजिएगा, है ना, पहले 14 भाषा संविधान में था, बाद में अमेंडमेंट करके इसमें कुछ और 8 भाषा को इंक्लूड किया गया है, संताली है, बोडो है, डोगरी सबको इंक्लूड किया गया है, इन सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक का भी वही है, जो पहले का जो इतिहासकार जो लिखे हैं पुस्तक वो भी इम्पोर्टेंट है, इसके साथ जो हमारे फ्रीडम फाइटर जो पुस्तक लिखे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो अभी करंट बेस में जो पुस्तक लिखा जा रहा है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, लिपि में बेसिकली आपको पूछेगा जो पुरानी लिपि जो चलती थी, अभी तो लिपि का उतना मतलब है नहीं, बट जो पहले का जो लिपि सब होता था हिस्ट्री सब में वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सब ध्यान दीजिएगा। राजधानी है ना, मुद्रा, ये दोनों से जुड़े हुए हैं, राजधानी और मुद्रा। अभी देखिए राजधानी कैसे पढ़ना है, भारत में 28 स्टेट है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सभी के राजधानी आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद वर्ल्ड लेवल का जो कंट्री होता है ना, कंट्री है जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, जो अमेरिका है, यूक्रेन है, रसिया है, ऑस्ट्रेलिया है ना, जो भी देश न्यूज में होता है ना, उसका आपको कैपिटल और करेंसी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बनते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, वो चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। खेल खिलाड़ी कौन नहीं जानता, अभी क्या है, कॉमनवेल्थ गेम भी हुई, हॉकी भी हुआ है आपका, जस्ट लाइक आपका आईपीएल हो रहा है, इसके बाद अब वर्ल्ड कप भी बीता है, वर्ल्ड कप भी भारत में होने वाला है, तो जितने खिलाड़ी है, टेनिस होता है, रोजर फेडर टेनिस खेलता है ना, नोवाक जोकोविच, कितने भी प्लेयर है, सब इंपोर्टेंट हो जाते हैं, सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर को आप याद रखिएगा, वो बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं, है ना, ठीक है। और इसमें जो अवार्ड सबके बारे में बात की, तो खेल में भी तो अवार्ड दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार हो गया आपका, राजीव गांधी पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, ये सब चीज भी आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए भारत का इतिहास आपको पढ़ना है, भारत के इतिहास में क्या होता है, प्राचीन भारत है ना, और इसे मध्यकाल है और आधुनिक भारत है, ठीक है। प्राचीन काल में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, आर्यन हो गया, गुप्ता डायनेस्टी हो गया, है ना, मौर्य समाज हो गया, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। इसके साथ आपको जब आइएगा मध्यकाल में आइएगा तो दिल्ली सल्तनत पढ़ना पड़ेगा आपको, दिल्ली सल्तनत में पढ़ना है गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिरोज तुगलक, इस सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। मुगल में आ जाएगा तो पढ़ना पड़ेगा आपको ये बाबर, हुमायूं, अकबर, है ना, शाहजहां, इस सब के बारे में पढ़ना। आधुनिक इतिहास में आइएगा तो हमारे फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जो अंग्रेज यहाँ पर, हाँ, अंग्रेज जो यहाँ पर आए थे, उनका जो भी गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल होता था, है ना, उन सब चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और बहुत सारे उन्होंने एक्ट बनाए थे, उन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। संस्कृति, देखिए संस्कृति क्या होती है ना, भारत एक कल्चरल बेस्ड कंट्री है, इसमें बहुत सारे लैंग्वेज है, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, बहुत सारे डांसेस होते हैं, है ना, हर एक जगह में अलग अलग टाइप का जो नृत्य होता है, डांस होता है, वो सब चीज भारत में बहुत ज्यादा कल्चरिस्ट है, तो उन सब चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा संस्कृति में। भूगोल आप जानते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा बेसिक, जैसे आपको लगे नदी के बारे में पढ़ना है, झील के बारे में पढ़ना है, आपको माउंटेन के बारे में पढ़ना है, भारत के बॉर्डर में जो भी कंट्री सब है उनके बारे में पढ़ना है ना, तो उस सब चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। और महादेश सबके बारे में पढ़ना, 7 महादेश है, उनके बारे में पर्टिकुलर चीज पढ़ना पड़ता है, ठीक है। पर्यावरण, जो भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे पर्यावरण में क्या है, पर्यावरण में बहुत सारे बैठकें होती है, बहुत सारे समिट होते हैं, उन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, उस सबके बारे में आपको पड़ेगा। स्वतंत्रता आंदोलन, देखिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर रहे, जस्ट लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और खुदीराम बोस, भगत सिंह, जितने भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं ना, सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, उनके बहुत सारी लिखी हुई पुस्तकें भी है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। भारतीय कृषि के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना, भारत में कितने तरह कृषि होती है ना, तो सब चीजों को आप डिटेल में थोड़ा पढ़िएगा, क्योंकि अच्छे से क्वेश्चन कुछ बनते हैं इस सब में, ठीक है ना। चलिए प्राकृतिक संसाधन के बारे में, प्राकृतिक संसाधन कैसे आपको, देखिए 3 तरह से बांटा गया है आपको, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, है ना, तो ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है ना, ये सब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। और है भारत का संविधान और राजव्यवस्था, देखिए भारत का संविधान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भारत का संविधान में आर्टिकल आपको पढ़ना है, अनुसूची पढ़ना है, इसके बाद आपको भाग पढ़ना है, कितने अमेंडमेंट संविधान संशोधन हुए हैं वो चीज को पढ़ना है, ठीक है ना। और भारत के अंदर में कितने राज्य हैं, सभी के आपको विधानसभा के कितने कितने सदस्य हैं हर एक स्टेट में, उन सब चीजों को पढ़ना है। जैसे अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड में 81 विधानसभा की सीट होता है, ठीक है, उस तरह बिहार में कितना है, महाराष्ट्र में कितना है, सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ कहीं कहीं विधान परिषद है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और सीएम सबका भी नाम आप याद करते जाएंगे। पंचायती राज, देखिए पंचायती राज 1959 में स्टार्ट हुआ था, है ना, अग्नि संतान बलवंत राय मेहता कमेटी जो बना था, उसके बाद से ये आगे चलता जा रहा है, 1993 में ये अमेंडमेंट करके, है ना, फिर से बनाए 73वां अमेंडमेंट से, ठीक है। तो उस सब चीज को बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। सामुदायिक विकास की 1952 में सामुदायिक विकास लाया गया था, बट ये फेलियर रहा था, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। और झारखंड जीएस के बारे में पढ़ना है, जो शॉर्ट में पढ़ना है, बट इसको हम यहाँ पर डिटेल में बताएंगे ना, कवर हो जाएगा,
ठीक है। इसमें एक और चीज है कि भारत के पड़ोसी, इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में आपको पढ़ना है, पड़ोसी देश के बारे में, ठीक है, क्या क्या वहां चल रहा है, ठीक है, उसके सबसे बड़ी नदी क्या है, उसके सबसे बड़े पर्वत कौन सी होती है, उसका पहला प्रधानमंत्री कौन था, उसके करंट में कौन प्रधानमंत्री है, उस सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके साथ भारत और पाकिस्तान का बीच का रेखा को क्या बोला जाता है, भारत और बांग्लादेश के रेखा को क्या बोला जाता है, भारत और चाइना के रेखा को क्या बोला जाता है ना, इन सब चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो झारखंड राज्य से पढ़ना है, ठीक है, झारखंड राज्य से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए झारखंड का भूगोल आपको पढ़ना है, झारखंड का भूगोल में क्या पढ़िएगा आपको, पहाड़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, पहाड़ के बारे में पढ़ना है, झरना के बारे में पढ़ना है, जलप्रपात के बारे में पढ़ना है, नदी के बारे में पढ़ना है, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतिहास का, इतिहास पढ़ना है, ठीक है ना, इतिहास, तो इतिहास आप पढ़े होंगे भारत का, जो झारखंड का इतिहास उतना ब्रॉड तो नहीं है, तो आपको रिलेट करना पड़ेगा जो स्वतंत्रता आंदोलन था भारत में उसी समय से कुछ हमारा जो इतिहास उससे जुड़ा हुआ है, उन सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पर कुछ बहुत सारे विद्रोह भी हुए हैं, जैसे टाना भगत आंदोलन हो गया, आपको ढाल विद्रोह हो गया, ठीक है ना, आपको है ना, अब बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम क्रांतिकारी रहे हैं झारखंड में, जैसे भागीरथ मांझी हैं, विश्वनाथ शाही है ना, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, सभ्यता संस्कृति, देखिए संस्कृति जो हम यहाँ डिटेल में पढ़े थे, तो भारत में बहुत, झारखंड में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है, क्षेत्रीय फेस्टिवल है, उसको मनाया जाता है, बहुत सारे डांसेस है उनको मनाया जाता है, ठीक है, बहुत सारे भाषाएं चलती है यहाँ पर, उन सब चीजों को मनाया जाता है, तो उस सब चीज को आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, सभ्यता संस्कृति। भाषा, भाषा झारखंड में भी बहुत सारी भाषा है ना, उन सब चीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए स्थान के बारे में, 24 जिला है, 24 जिला के अंदर में बहुत सारे ऐसे जगह है जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। खान खनिज, देखिए बहुत सारे भारत, झारखंड तो एक खनिज वाला स्टेट है ना, तो यहाँ पर कोयला सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, लोहा सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, ग्रेफाइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, तांबा सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, इन सब चीज से रिलेट करके स्थान और खान खनिज भी आपको पूछेगा। उद्योग, देखिए उद्योग से रिलेटेड पूछेगा कि सबसे पहले कब उद्योग स्थापित किया गया था भारत में, झारखंड में, है ना, फिर कोयला का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ है, लोहा का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ है ना, ग्रेफाइट का कहाँ है, तांबा का कहाँ है, तो इससे आपको पूछा जाएगा। और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे जो झारखंड का योगदान है ना, जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था भारत में, उस समय झारखंड के जो फ्रीडम फाइटर है, क्रांतिकारी रहे हैं, उन लोगों का क्या क्या योगदान है ना उसमें, तो उन सब चीजों को आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। विकास योजनाएं, देखिए झारखंड कभी भी कोई भी स्टेट या कंट्री में है ना, जब सरकार आती है, सरकार हमेशा से कोई भी अगर सरकार को किसी चीज में अगर पैसे खर्च करना है जनता ऊपर, तो बेसिकली योजना ला के पैसे खर्च करती है, योजना लाएगी उसके आधार पर पैसे खर्च करेगी। जैसे आपको भारत में, जैसे झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना है, अभी भारत के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आयुष्मान भारत योजना है ना, बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है ना, इन सब लाडली योजना है झारखंड में है ना, तो उन सब चीजों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वृद्धा पेंशन योजना है, इस सबसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। खेल खिलाड़ी, देखिए खेल खिलाड़ी जो झारखंड के बेस से आपको पूछा जाएगा है ना, झारखंड के खिलाड़ी हॉकी में पार्टिसिपेट किए थे है ना, कितने खिलाड़ी हॉकी में पार्टिसिपेट किए थे, राष्ट्रीय खेल हुआ था किस, कितना कौन कितना पार्टिसिपेट किया गया था, कौन सा पार्टिसिपेट किया था, ओलंपिक में किसने पार्टिसिपेट किया था, भारत के खिलाड़ी, झारखंड खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस क्या रहा था, ठीक है। और खेल खिलाड़ी के अंदर में महेंद्र सिंह धोनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कोई भी एग्जाम इनसे बाहर नहीं जाता है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक दो प्लेयर अभी और है झारखंड से, जस्ट लाइक ईशान किशन है, उनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। बट धोनी से आप याद रखिएगा, धोनी से जितने भी धोनी के अवार्ड मिले हैं, धोनी को कब डेब्यू किए, कब इन्होंने संन्यास लिया है ना, कितना बार वर्ल्ड कप जिताया है ना, उस सब चीज को आप तो डिटेल में ध्यान रखना पड़ेगा, कब संन्यास लिए है ना, उस सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम समान विज्ञान की बात करें, समान विज्ञान में आपको 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 60 नंबर का हो रहा है। देखिए समान विज्ञान में कोई सिलेबस तो लिखा नहीं है, बट इसमें कहा गया जो हम आसपास में विज्ञान से रिलेटेड जो हम आसपास में चीजों को देखते हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आसपास की चीजों में क्या देख रहे हैं, हमारे पास पेड़ है ना, ट्री है ना, ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का करता है,
है ना, जब लाइट मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हो जा रहा है। बॉडी पार्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे ब्लड से हो गया, ठीक है, ह्यूमन बॉडी से हो गया, जैसे आपका लीवर से हो गया, ठीक है, हार्ट से हो गया, ये सब इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। हमारे पास ऑर्गन कितने होते हैं, हमारे पास कौन सा ऑर्गन का क्या काम है ना, आइंस्टाइन कहाँ पर खाना डाइजेस्ट होता है ना, उन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, डे टू डे लाइफ जो फेस किया जाता है, जैसे आपको पीरियोडिक टेबल याद रखना है, एटॉमिक नंबर याद रखना है, ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं उनको याद रखना है, आपको फिजिक्स में बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, उन सब चीजों को आपको याद रखना है, ये पूछे जाएंगे, ठीक है। और सामान्य गणित, देखिए अगर समान गणित की बात करें, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है, तो 30 क्वेश्चन। अब देखिए समान गणित का भी डिटेल में लिखा नहीं है, बट 10th बेस का इसमें बोला है, तो 10th बेस में अगर हम बात करेंगे ना, तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है परसेंटेज पूछेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूछेगा, एसआई और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसके साथ आपको जो पूछ लेगा एवरेज पूछता है, ठीक है ना, वर्क एंड टाइम पूछता है, ठीक है, और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पूछता है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम पूछता है, आपको पूछेगा सर्च एंड इनसाइडर्स मीन घातांक एंड करनी पूछेगा, ठीक है ना, सर्च एंड इनसाइडर्स बोलते हैं। इसके बाद आपको कुछ पूछेगा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, नंबर सिस्टम से अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछता है, है ना, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आपको मैथ्स में पूछा जाएगा। इसके साथ कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन पूछेगा, सरलीकरण से, है ना, कैलकुलेशन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाते हैं। आई थिंक सामान्य गणित से इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर से हम रिपोर्ट कर देते हैं, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआई सीआई साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, वर्क एंड टाइम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, घातांक करनी, है ना, अलजेब्रा और कैलकुलेशन से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा, और इसके बाद एक और हम वीडियो लाएंगे कि इस एग्जाम का प्रिपरेशन किस आधार पर करना है, हर एक चीज का डिटेल में हम बताएंगे, स्ट्रेटजी क्या होगी इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने का, वो चीज हम बताएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।